हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 10 में असाइनमेंट 10 को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस असाइनमेंट में हमें ये पैराग्राफ एमएस वर्ड के अंदर टाइप करना है और नीचे दिए गए ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। सो आइए, इसके लिए सबसे पहले हमें एमएस वर्ड ओपन करना होगा और मैंने पहले से ही यहाँ पे उस पैराग्राफ का कुछ एक पार्ट है जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और जो ऑपरेशंस हमें बताए गए हैं वो हमें अब परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है करेक्ट एनी स्पेलिंग एरर डिस्प्लेड इन द गिवन टेक्स्ट। हमें क्या करना है कि हमारा ये जो पैराग्राफ है इसमें ये जो आपको एरर शो कर रहे हैं, देखिए जो भी वर्ड रेड अंडरलाइन होता है, अंडरलाइंड होता है रेड कलर से, तो ये समझ जाइए कि एमएस वर्ड आपको बता रहा है कि ये पॉसिबली कोई ना कोई एरर है, आपने कोई स्पेलिंग में मिस्टेक की है। तो इन स्पेलिंग्स को हमें ठीक करना है। उसके लिए हमें हमारे पास दो तरीके हैं। हम जिस वर्ड के नीचे रेड अंडरलाइन है उस पर क्लिक करेंगे, देन हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पॉसिबल करेक्शंस हैं वो सब यहाँ पे शो कर दिए गए हैं। तो हम जो आपके अकॉर्डिंग आपको सही लग रहा है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। मैं पहले पहला वर्ड जो है अचीवमेंट उसको सेलेक्ट कर रही हूँ। उस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि जो अंडरलाइन है रेड कलर से, जो अंडरलाइन हो रखा था वर्ड वो अब नहीं अंडरलाइन है, उस वो अंडरलाइन अब हट गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है ये, इस पे फिर से आप क्लिक करें, देन राइट क्लिक और ऑफिशियली सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि ऑस्कर नाम से यहाँ पे जो ये वर्ड है इसको भी रेड कलर से अंडरलाइन किया गया है। इस पे भी आप अपना कर्सर ले जाके राइट क्लिक कीजिए और ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि दिस वर्ड शुड बी लाइक दिस, सो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा ये जो वर्ड है ये एज इट इज़ ऐसा ही रहना चाहिए, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे एमएस वर्ड की डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं ऑस्कर पे क्लिक करती हूँ। सो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिस पर रेड अंडरलाइन किया हुआ हो। आइए हम दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दूसरा ऑपरेशन है सेव द डॉक्यूमेंट एज माई डॉक। मुझे मेरे इस एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट को माई डॉक के नाम से सेव करना है। तो मैं फाइल पे जाऊंगी, सेव एस पे क्लिक करूंगी। मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे नाम देना है, मेरा नाम होगा इस फाइल का माई डॉक, और क्योंकि ये वर्ड डॉक्यूमेंट का है तो ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो किया हुआ है। अब मैं इसको कर देती हूँ सेव। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले जो असाइनमेंट 10 नाम से नेम था इस वर्ड डॉक्यूमेंट का, वो चेंज होके माई डॉक हो गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन में है चेंज द लेआउट ऑफ द पेज एज गिवन बिलो। हमें हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज का लेआउट चेंज करना है। पहला है कि हमें पेज साइज A4 लेनी है और पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप सेलेक्ट करना है। तो आइए ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इन दो ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको लेआउट टैब में जाना होगा। उसके बाद आपको पहला मार्जिन ऑप्शन जो है वहाँ पे जाना है। आप देख सकते हैं कि लेआउट टैब के अंदर बहुत तीन ग्रुप बने हुए हैं। पहला है पेज सेटअप जो आपके पेज को सेट करता है। पहला जो हमारा ऑपरेशन है, पहला ऑपरेशन वो है साइज सेट करना। हमें साइज सेट करनी है A4, तो यहाँ से मैं A4 पे क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट मुझे ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना है। मेरा ओरिएंटेशन अभी पोर्ट्रेट है। असाइनमेंट में जो ओरिएंटेशन गिवन है वो है लैंडस्केप, तो मैं लैंडस्केप पे क्लिक करती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो चेंजेस हुए, ये लैंडस्केप फॉर्मेट में आ गया है। अगर मैं इसे पोर्ट्रेट मोड में करती हूँ तो इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इस पेज का मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ये राइट इंडेंट है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये लेफ्ट इंडेंट है, यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओरिएंटेशन फिर से लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं और आपने अब देखा कि किस तरीके से
लैंडस्केप ओरिएंटेशन हमारा सिलेक्ट हो गया। साइज हम ऑलरेडी A4 ले चुके हैं। अगर मैं थोड़ा और आपके पास, अगर आपको अदर ऑप्शंस दिखाऊं तो लेटर हम सेलेक्ट कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनको आप जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा जो प्लेसमेंट है वर्ड्स का वो चेंज होता रहेगा। साइज़ में अगर मैं B5 लेती हूँ तो ये देखिए इस तरीके से पहले सिर्फ अवार्ड वर्ड ही यहाँ पे आ रहा था थर्ड लाइन में, लेकिन अब बहुत सारे वर्ड्स आने लगे हैं। हमें साइज़ लेनी है A4, तो मैं A4 पे क्लिक करती हूँ और आपने देखा कि A4 साइज़ सेलेक्ट करने से हमारा कंटेंट दो लाइन के अंदर आ गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमें जो परफॉर्म करना है वो है चेंज द पेज मार्जिन। हमें पेज का मार्जिन सेट करना है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, और सबके मार्जिन 1.25 से सेट करने हैं। तो मार्जिन सेट करने के लिए भी लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन है मार्जिन का। अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स भी गिवन है, कुछ मार्जिन्स के टाइप पहले से गिवन है, पर हमें अपने हिसाब से मार्जिन सेट करने हैं, इसलिए हम जाएंगे कस्टम मार्जिन पे। इस पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन्स यहाँ पे आ गए हैं। हमारे मार्जिन थे 1.25, तो हम सब में 1.25 मेंशन कर देते हैं, 1.25 एंड राइट का भी 1.25। इसके बाद आप ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो मार्जिन है वो सेट हो गया है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट विद 1.25। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो है फॉर्मेट द एंटायर डॉक्यूमेंट। आपके पूरे डॉक्यूमेंट को, उसमें आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसकी कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे लाइन की जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो 1.15 होनी चाहिए, मतलब दो लाइनों के बीच में जो गैप होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। फॉन्ट आपका होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट की साइज़ होनी चाहिए 14 और अलाइनमेंट होना चाहिए जस्टिफाई। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि क्या ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला हमें बोला गया लाइन स्पेसिंग, दो लाइन के बीच में जो स्पेस है। इसके लिए हम होम पे जाएंगे, होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में ये ऑप्शन जो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप 1.15 का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब आप देख सकते हैं जैसे मैंने 2.0 पे क्लिक किया तो लाइन स्पेसिंग बढ़ गई, 2.5 में और लाइन स्पेसिंग हो गई और 3.0 में और ज़्यादा स्पेस आ गया। क्योंकि हमें 1.5 सेलेक्ट करना है इसलिए इस पर मैं क्लिक करती हूँ। नेक्स्ट है हमें हमारा जो कंटेंट यहाँ पे दिख रहा है, जो पैराग्राफ मैंने लिखा है, उसका जो फॉन्ट है वो कैसा होना चाहिए, फॉन्ट की स्टाइल होनी चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट स्टाइल का मतलब है जो वर्ड आप लिख रहे हैं वो किस तरीके से शो होने चाहिए, उनकी स्टाइलिंग कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे MS Word हमें बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करके हम हमारे लाइंस का जो हमने कंटेंट लिखा है उसके स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। तो स्टाइल चेंज करने से पहले मुझे सबको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में जो पहला ऑप्शन है वहाँ पे जाके मुझे टाइम्स न्यू रोमन ऑप्शन मिलेगा और इस पर मैं क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि स्टाइलिंग चेंज हो गई। नेक्स्ट हमें क्या करना था, फॉन्ट की साइज़ को चेंज करना था। हम एक बार देख लेते हैं कि फॉन्ट की साइज़ हमें कितनी लेनी है। अभी जो फॉन्ट की साइज़ है वो है 11, फॉन्ट की साइज़ हमें लेनी है 14 और अलाइनमेंट करना है जस्टिफाई। सो फॉन्ट के साइज ले लेते हैं, क्योंकि मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं 14 पे डायरेक्टली क्लिक करूँगी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे फॉन्ट की साइज़ बढ़ेगी आपके वर्ड्स का साइज इंक्रीज होता जाएगा। हमें लेना है 14, तो मैं 14 ले लेती हूँ यहाँ पे। और अलाइनमेंट करना है तो पैराग्राफ ग्रुप में जस्टिफाई अलाइनमेंट बोला गया है, तो जो थर्ड जो फोर्थ साइड है जो एकदम राइट मोस्ट अलाइनमेंट है हमारा वो है जस्टिफाई। इसको मैं क्लिक करती हूँ और क्लिक करने से, क्योंकि ये लैंडस्केप मोड में है इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं, जस्टिफाई लेफ्ट और राइट साइड जो आपका इंडेंटेशन है वो प्रॉपर कर देता है एक ही सीक्वेंस में। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो क्या है, सेलेक्ट द हेडिंग अकेडमी अवार्ड। हमारे पैराग्राफ की जो हेडिंग है अकेडमी अवार्ड, उसकी हमें फॉर्मेटिंग करनी है।
उसमें कुछ चेंजेस करने, जैसे फॉन्ट का कलर ब्लू होना चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए, जो आपका हेडिंग है वो बोल्ड और अंडरलाइन होना चाहिए, अलाइनमेंट उसका सेंटर होगा, मतलब वो एकदम पेज के सेंटर में आना चाहिए, और जितने भी इसमें लेटर्स हैं वो अपर केस में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इस अकेडमी अवार्ड को ब्लू कलर से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अभी ब्लैक कलर में कंटेंट लिखा हुआ है, उसका कलर हम चेंज करेंगे ब्लू से, बोल्ड और अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद हम उसको सेंटर में प्लेस करेंगे, और सभी के यहाँ सभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम अपर केस में चेंज करेंगे। तो ये हमारा हेडिंग है, इसको हमें सेलेक्ट करना होगा, और होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर ऑप्शन पे जाके हमें ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, लाइट ब्लू है, ये ब्लू है, तो इस ब्लू को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद हमें इसे क्या करना है, बोल्ड, बोल्ड के लिए आप फॉन्ट ग्रुप के अंदर बी ऑप्शन जो एक यहाँ पे है बी लिखा हुआ आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो गया। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, ये अंडरलाइन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि अलग तरीके से अंडरलाइन हो, जैसे डबल अंडरलाइन हो, सॉलिड अंडरलाइन हो, या इस तरह से डैश वे में हो, या किसी भी तरह का आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं अपने अंडरलाइन की, तो आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने अंडरलाइन किए गए उस जो लाइन आपने अंडरलाइन में लिया है उस लाइन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो हम सिंपल रहने देते हैं इसे। नेक्स्ट ऑपरेशन था कि इस हेडिंग को हमें सेंटर में लाना है, तो इसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, सेंटर अलाइन। तो फिर से होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में ये ऑप्शन हमें सेंटर अलाइन करने के लिए अलाउ करता है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि आपका अलाइनमेंट हो गया सेंटर में। अब क्योंकि ये लैंडस्केप में है इसलिए आपको ये थोड़ा सा राइट हैंड साइड दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये सेंटर अलाइन है। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन है वो है फाइंड वर्ड्स अवार्ड्स एंड रिप्लेस इट विथ प्राइजेस। हमारे कंटेंट में जो भी कंटेंट हमने लिखा है, जो भी पैराग्राफ हमने लिखा है वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसमें जहाँ जहाँ अवार्ड्स है वहाँ वहाँ प्राइजेस आ जाना चाहिए। उससे पहले हमने एक ऑपरेशन यहाँ पे स्किप कर दिया, और वो है चेंज ऑल द लेटर्स टू अपर केस। तो हम इन सभी लेटर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, अपर केस में। तो ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है चेंज केस वाला, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे थर्ड ऑप्शन अपर केस। तो आप देख सकते हैं कि हमारे वर्ड का जो केस है कम्प्लीटली अपर केस हो गया है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे सेंटेंस केस, लोअर केस में ये लोअर केस हो जाएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसमें हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा, ये देखिए। इसके अलावा अगर टॉगल केस है तो इसमें एक कैपिटल स्टार्टिंग वाला स्मॉल और रिमेनिंग आपके कैपिटल में हो जाएंगे, और हमें जो ऑप्शन चूज करना है वो है अपर केस, तो हम उस पर क्लिक करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन था कि जहाँ जहाँ इस पूरे कंटेंट में अवार्ड्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या हो जाना चाहिए, प्राइजेस। तो उसके लिए हमें क्या करना है, होम टैब के ही एडिटिंग वाले ग्रुप में जाना है, रिप्लेस पे क्लिक करना है, और रिप्लेस पे पूछा जा रहा है फाइंड व्हाट, आपको क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है अवार्ड्स, और जहां जहां अवार्ड्स हो उसको रिप्लेस कर दिया जाए किससे, प्राइजेस। और मैं सेलेक्ट करूंगी रिप्लेस ऑल, क्योंकि जितनी बार भी मेरे कंटेंट में अवार्ड्स लिखा हुआ आएगा वहां वहां प्राइजेस वर्ड रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो मैं करती हूँ यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक, तो ये आपको मैसेज दे रहा है ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट। एमएस वर्ड आपको रिप्लेसमेंट करने के साथ साथ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी बताता है कि उसने कितनी जगह रिप्लेसमेंट किया है। आप ओके करेंगे एंड क्लोज कर देंगे, तो आप देख सकते हैं जहां जहां अवार्ड था, जैसे पहले मैं कंट्रोल जेड करती हूँ, देखिए पहले यहाँ अवार्ड था, यहाँ पे अवार्ड था, तो इन सबको ये चेंज कर देगा, प्राइजेस। ओके, सो ये हमारा असाइनमेंट नंबर 10 था, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं,
कैसे हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, पेज का लेआउट कैसे सेट करते हैं, पेज के मार्जिन्स कैसे सेट होते हैं, डॉक्यूमेंट को एंटायरली फॉर्मेट करना है तो इस तरीके से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, और किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो हम इस तरीके से इन ऑप्शंस की मदद से एडिटिंग कर सकते हैं। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है यहाँ पे वो ये है, ये स्पेशल सिंबल जो आपको इस वर्ड के बाद दिख रहा है, इसको इंसर्ट करने के लिए मैं आपको पहले मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। देखिए, इस ऑस्कर के बाद मुझे स्पेशल सिंबल लेना है, तो उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ सिंबल ग्रुप में आपको इंसर्ट अ सिंबल का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कीजिए, और यहाँ आपको ये मोस्टली यूज सिंबल्स हैं, या तो ये आपको यहाँ मिल जाएंगे, नहीं तो आप मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे, और फिर ये पूरी लिस्ट है जिसमें आप ढूंढते हुए कहीं पे भी आप ढूंढेंगे तो आपको अपना जो भी सिंबल आपको इंसर्ट करवाना है वो सारे सिंबल यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो रिसेंटली यूज सिंबल्स होते हैं उनकी लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे होती है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली चूज कर सकते हैं और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, देन क्लोज, और आप देखिए यहाँ पे आर इंसर्ट हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट असाइनमेंट नंबर 10। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आए हों। थैंक यू सो मच।